आपको ना इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा मेथड नाइट्रोजन का हो सकता है, तो उसमें सारे मेथड ही है, NH4Cl plus NaNO2, लेबोरेटरी मेथड है, हीट करेंगे, हीट एक रहा, ये नाइट्रोजन एक रहा, ये N2 बन गया, 2H2O बन गया, साथ में बनेगा प्लस NaCl। सेकंड सर इस नाइट्रोजन को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं? लिक्विफाई प्रेशर लगा के, प्रेशर लगाओ, टेम्परेचर कम करो। ओके सर। हाँ कोई आइडिया सर किस प्रेशर पर होगी सर ये लिक्विफाई? क्या बच्चे आइडिया किस चीज का? किस प्रेशर पे होगी सर ये लिक्विफाई? बच्चे ऐसे प्रेशर याद नहीं है हमें, क्वेश्चन आएगा हम कर देंगे। वैसे जैसे इसमें वंडरवाल फोर्सेस है ना, तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर काफी लो होता है क्योंकि N2 बहुत जल्दी कंप्रेस नहीं होगी, है ना? तो हमें तो क्वेश्चन है NH4 Cr2O7, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। N2 हो सकता है, अपने क्वेश्चन भी देखते हैं, 4H2O प्लस Cr2O3, ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है। और इसके बाद एक कॉपर वाला रिएक्शन है, वो मैं छोड़ रहा हूँ। फिर आती है एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन, एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन, बेरियम नाइट्रेट, यहां से बनेगी प्योर नाइट्रोजन, क्योंकि बेरियम तो अलग हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड होता है, नीचे बैठ जाएगा ये, साथ में बन जाएगी नाइट्रोजन गैस, है ना? क्लियर? और ये एयर बैग में यूज करते हैं। आगे चलो, जल्दी जल्दी बोलो, जितना बोलोगे जल्दी होगा, बोलते जाओ। यस सर। बाकी जैनिंग सेजल बोल लो बच्चे, जस्टिन विनय बोल के बैठो। आगे देखो N2, आगे N2 की रिएक्शंस हैं। टोटल बच्चे 5 रिएक्शंस हैं इसकी, ठीक है? तो 5 की 5 जो ऐसे अच्छे से आनी चाहिए आपको। पांच चार ही रिएक्शन N2, ये तो सबको ही पता ना, हैवर प्रोसेस, आयरन एज अ कैटलिस्ट, मॉलिब्डेनम एज अ प्रमोटर, ठीक है? और ये रिएक्शन होती है 700 टेम्परेचर एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, केल्विन टेम्परेचर 200 एटमॉस्फेयर, ठीक है? क्या बन जाएगा? NH3। मैं इसमें ना बैलेंस नहीं कर रहा, N2+3H2 आ जाएगा, है ना? तो इसका डेल्टा एच जो बच्चे होता है पर मोल में, वो होता है -46.1 किलो जूल पर मोल। सेकंड रिएक्शन O2 के साथ है, O2 के साथ क्या बन जाएगा? NO बन जाएगा। और ये टेम्परेचर में 2000 से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, मैंने अभी बोला NO बनेगा, ठीक है? यहाँ लिखा NO2, और ये अनस्टेबल होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है NO2। और इधर मैं लिख रहा हूँ कुछ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, कैल्शियम कार्बाइड के साथ, ये बन जाएगी नाइट्रोलिम, CaCN2 प्लस कार्बन, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिम, एंड दिस इज यूज एज अ फर्टिलाइजर। बस आगे सरफेक्ट वाली आपको जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन की जरूरत नहीं है, तो मैंने 3 रिएक्शन लिखी, सिंपल सी है सारी। चलो आगे। यस यस सर। चलो जी आगे आते हैं, अमोनिया। अमोनिया हमने अभी किया, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस, यानी कि N2+3H2। अब थोड़ा सा डिटेल में करा देता हूँ, गिव्स 2NH3 एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच इज -46.1 किलो जूल पर मोल। और जिन्होंने थर्मो पढ़ा उनको पता होगा, अगर पूरी एंथैल्पी निकालनी हो तो N2 हो जाएगा, ठीक है? 92.2 है ना किलो जूल आ जाएगा। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ये फॉर्मेशन है अमोनिया की, फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि इनकी एलिमेंटल स्टेट में एंथैल्पी जीरो होगी। मैं थर्मो से रिलेट कर रहा हूँ, तुम्हें पता लग गया होगा क्यों चल रहा है ऐसे, है ना? कंबाइंड टेस्ट होंगे ना फिजिकल के, जैसे पूरी फिजिकल, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार टेस्ट रिजल्ट टोटल कितना है?
92.2 डबल हो जाएगा बच्चे, दो मोल है ना, इधर एलिमेंटल स्टेट में जीरो होती है, थर्मो के बेसिक्स हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है, ये रेक्स में हम ऊपर लिख लेते हैं, मोलिब्डेनम इज यूज्ड एज अ प्रमोटर, आयरन एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, और उसके बाद 700 केल्विन 208 मोल। हाँ जी बच्चे बोलो, मोलिब्डेनम एज प्रमोटर के साथ Al2O3 भी लेते हैं कैटलिस्ट, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ मेरी बुक में, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा हुआ। ठीक है, N2O3 इज यूज्ड एज अ Al2O3 इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, अब इस रिएक्शन में कंडीशन देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसको फेवर कौन करेगा, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर? हाँ जी जल्दी जल्दी, बोलते नहीं हो तुम लोग, टेस्ट पता नहीं कैसे करते। फेवरेबल कंडीशन लो टेम्परेचर, अब लो टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि आप 700 से कम कर दोगे टेम्परेचर, N2 बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होता है तो 700 से नीचे वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना पड़ेगा 700। हाँ अगर आप ज्यादा कर दोगे, अगर आपको मैं 1000 टेम्परेचर कर देता हूँ तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, और ये देखो जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है रिएक्शन की, है ना। और मोलिब्डेनम क्या करता है, मोलिब्डेनम एक्ट एज अ प्रमोटर, प्रमोटर होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को तेज करता है। ठीक है, चलो लो टेम्परेचर, सेकंड इज हाई प्रेशर। हाई प्रेशर इसलिए, हाई प्रेशर करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, फॉरवर्ड इधर कर देते हैं, फॉरवर्ड क्यों जाएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से गैस रिएक्शन उस तरह जाती है जिधर गैस के मोल्स कम हो, ये मैंने थर्मो में प्रूफ किया था, आपको याद होगा। ठीक है, क्यू और के सी बना के, मतलब कि इस केस में हमारा जो क्यू आता है वो लेस देन के सी हो जाता है, फिर रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाती है। आया याद, चले आगे, लिख लिया पिछले बेस का सारा? हाँ जी बोलो, हेलो। यस सर, बोलते रहो, करो बोलते रहो बोलते रहो। NH3 की दो रिएक्शन हैं, एक्सेस लिमिटेड, लिमिटेड होगा तो लिमिटेड के केस में क्या बनेगा, NH4Cl, Br2 के लिए भी सेम ही रिएक्शन होती है, पर अगर एक्सेस में होगा तो NCl3, तो क्लोरीन यहाँ ज्यादा लग जाएंगे। आगे समय रिएक्शन? यस सर। ठीक है, आगे आता नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में आप लोग करो रिंग टेस्ट, इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो याद रखना। ठीक है, FeSO4 को ऐड करते हैं हम रिएक्शन में, साथ में ऐड करते हैं NO, और NO कहां से आया मैं आपको भी बताऊंगा। यहाँ पे सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैं स्लो हो रहा हूँ, है ना, स्लो क्यों हो रहा हूँ, देखो होता क्या है, HNO3 में से नाइट्रेट आयन आता है ना, या आप कह लो 2HNO3 ब्रेक करता है H2O+2NO+½। ठीक है, फिर ये जो NO है यहाँ दोबारा हमने यूज कर लेना। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, These points are very, very important.
यहाँ पे जो आयरन है इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती प्लस वन, और ये नाइट्रोसोनियम आयन है इसकी भी है प्लस वन। जो Fe2 पॉजिटिव होता है बच्चे वो इलेक्ट्रॉन लेता है इससे, ठीक है, ये भी प्लस वन चला जाता है तो वो भी प्लस वन चला जाता है। बात समझ आई? मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं हीट करूं, इसको अलग अलग करें, तो फिर ये कैसे टूटेगा? तब फिर से अगर ये कॉम्प्लेक्स अगर टूटता तो फिर से वो Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में चला जाएगा। ये आगे का कंसेप्ट है, आप रहने दो, अब यहां तक ही आएगा। इन ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये ब्राउन रिंग टेस्ट है। इन ब्राउन रिंग टेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज प्लस वन, कभी भी नहीं करेगा बच्चा अगर ना पढ़ो, प्लस टू करेगा या प्लस थ्री करेगा, कुत्ता मार के आएगा। चले आगे, हाँ जी आगे चले आगे। आगे आते ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ये बोनस के मार्क्स हैं, बोनस मार्क्स अगर इसमें से क्वेश्चन आता है। अच्छा HPO3 क्या होता है, मैंने बताया था कल परसों, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अरे वाह लड़के, देखो याद है ये है ना, इसे बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये मोनोबेसिक होता है, मोनोबेसिक मतलब एक एच देगा, है ना, जो एच आयनाइजेबल है ना उसको मैं अलग मार्कर से बना रहा हूँ, उसको हम बनाते हैं ग्रीन से, ग्रीन मतलब ये बाहर जाएगा ना। अच्छा अब देखो आगे, अब मैंने क्या बताया था फिर, इसके स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, बताया था कि ए इसका लीनियर स्ट्रक्चर है, साइक्लिक ट्राइमर बनाता है। ट्राइमर क्या बनाता है? ट्राइमर कैसे बनता है देखो, पी एक काम करो, पी को ओ के साथ जोड़ो, पी को ओ के साथ जोड़ो, इधर पी के साथ जोड़ो, पी को ओ के साथ, ये समझ आ गया। अब हर पी के साथ एक डबल बॉन्ड ओ है, एक ओ एच है ना, एक डबल बॉन्ड ओ है, एक ओएच है, एक डबल बॉन्ड ओ है, एक ओएच है, एक डबल बॉन्ड ओ है और एक ओएच है, समझ आ गया। ये बन गया HPO3 थ्राइस ट्राइमर, HPO3 एग्जिस्ट ट्राइमर ही करता है, ठीक है, चले आगे। हाँ जी मेटाफॉस्फोरिक एसिड से आगे बढ़े, यस आगे आता है H3PO2। बस यहाँ ये स्ट्रक्चर सिंपल ही है, पहले सबसे पहले एक काम होता है डबल बॉन्ड लगाना, दूसरा काम होता है OH लगाना। अब मेरे को बताओ क्या बचा, फास्फोरस ने बनाने हैं पांच बॉन्ड, ऑक्सीजन आपके पास है नहीं तो इसके साथ जोड़ दो दोनों हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या ये मैंने H इसके साथ बनाए हैं, इसका मतलब ये वाला H आयनाइजेबल नहीं है, द ओनली H आयनाइजेबल इज दिस। तो इसमें अगर N पूछे, N फैक्टर H कितने देगा, ये एक H पॉजिटिव देगा, है ना, एक H पॉजिटिव देगा ये, क्लियर है। इसे बोलते हैं फॉस्फिनिक एसिड, बहुत कम आता है ये वैसे, लेकिन अगर एक भी ऑप्शन में आ गया हमें पंगा पड़ जाएगा ना, तो वो आना चाहिए। फॉस्फिनिक एसिड चले आगे, आगे आता है हमारे पास H3PO3, ये तो हम करते ही रहते हैं ना, बहुत बार किए हैं। अच्छा स्ट्रक्चर बता किसी को, H3PO3 होता है फॉस्फोरस एसिड, P डबल बॉन्ड ओ, यस सर, OH इधर आ जाएगा H, ठीक है, ये वाले दो H आयनाइजेबल होते हैं। मैं रेड ग्रीन से नहीं बना रहा, इतना टाइम नहीं है, ठीक है, ये हो गया फॉस्फोरस एसिड। ट्राइबेसिक है ये, ठीक है, ट्राइबेसिक H3PO3 ट्राइबेसिक होता है, सॉरी H3PO4 पी डबल बॉन्ड ओ OH OH, ये क्या है ट्राइबेसिक, नाम क्या है फॉस्फोरिक एसिड, मतलब इसमें ऑक्सीजन स्टेट कितनी है प्लस फाइव,
चले आगे। हाँ जी बच्चे, कितने स्ट्रक्चर हो गए? एक, दो, तीन, चार हो गए। आगे देखो, चार ही और होंगे। एच थ्री पीओ फोर अभी किया, एच थ्री पीओ थ्री भी कर लिया, एच थ्री पीओ टू भी किया, ये वो मैं नहीं लिख रहा। अब यहाँ पे मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि अगला जो स्ट्रक्चर है ना इसके सिमिलर है, एच थ्री पीओ फाइव है, सिर्फ एक ऑक्सीजन बढ़ गया, और अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो परऑक्साइड लिंकेज के चांसेस बन जाते हैं। इसका नाम भी है परऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है जी, ये है चाइनाजेबल होता है। ठीक है, चले आगे, बना लो जल्दी, ये भी ट्राई बेसिक है। आगे चले, बोलो। यस सर। अब मेरी बात। यस सर। ओके, आगे आता है पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। अब पाइरो का मतलब क्या होता है, तुम्हें अगर ये पता है तुम्हें याद करना आसान हो जाएगा। पाइरो का मतलब होता है हीट, है ना? तो जो पाइरोफॉस्फोरिक एसिड है, ये बनेगा फॉस्फोरिक एसिड को हीट करके। देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे होता है, पी डबल बॉन्ड हो, ओ एच, ओ एच, ओ पी डबल बॉन्ड हो, ओ एच, ओ एच, ऐसे देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन है नहीं। ये कहां से आ गई है? देखो ये कौन है, देखो पी डबल बॉन्ड ओ एच, ओ एच, ओ एच, पी डबल बॉन्ड ओ एच, ओ एच, यहां से वाटर बाहर। ठीक है, चले आगे। ये कितने कितने एच लूज करेगा? हाँ जी, टू एच और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। पाइरोफॉस्फोरिक एसिड कितने एच लूज करेगा? फोर सर, फोर। हाँ, ये हो गया टेट्रा बेसिक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आता है बच्चे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। बस लास्ट है, दो रह गए। हाइपो में पी और पी की डायरेक्ट लिंकेज है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। देखो क्योंकि फॉर्मूला लिखता हूँ आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, आपने उसका फॉर्मूला लिखा था? फॉर्मूला नहीं लिखा ना, इसका फॉर्मूला नहीं लिखा, आपने फॉर्मूला लिख लो, एच फोर पी टू ओ सेवन। और ये बना कैसे? फॉस्फोरिक एसिड को हीट करके। ठीक है, आगे आ गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच, ये भी टेट्रा बेसिक होता है। देखो एक ऑक्सीजन कम है ना इसमें, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एच फोर पी टू ओ सिक्स। तो अगर पी, अगर आपको फॉस्फोरस उसका आता है, क्या था पिछला, पाइरो, हाँ पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, अगर उसका स्ट्रक्चर आता है तो इसका भी आता। उसके बाद होता है पाइरोफॉस्फोरस एसिड, तो वो आप खुद बना लोगे मेरे हिसाब से।
सही है, बन जाएगा। वाटर बाहर निकालना yes, दो H3PO3 के यूनिट लेने हैं तो, और क्या बना देना, वाटर बाहर निकाल देना, क्या बचेगा, H4 बचेंगे, P2 बचेंगे, ऑक्सीजन 6 की जगह एक कम हो जाएगा, 5 बचेंगे, प्लस H2। आगे समझ बात, चलो चलो ये खत्म हुई कहानी, आगे चलते हैं। आगे आ गया ग्रुप 16। ग्रुप 16 चैलकोजेंस बोलते हैं इनको, है ना, और कहां ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, मैरी क्यूरी ने ढूंढा था इसको। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, तो इसको हमने ये पढ़ने, है ना। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np4, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अच्छा ऑक्सीजन और सल्फर में से किसकी इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी ज्यादा होती है, सर सल्फर की, क्यों सर क्लोरीन और क्लोरीन वाले रीजन ही होते हैं कि ऑक्सीजन का साइज भी स्मॉल होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन होती है, इसकी ज्यादा नेटी होती है, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन होती है, ठीक है जी। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी ज्यादा होती है। आगे मॉलिक्यूलर स्टेट, इसकी भी स्टेट सेम ही है जैसे पिछले ग्रुप की थी। ऑक्सीजन गैस होती है क्योंकि पाई पी बॉन्ड पॉसिबल है, सल्फर में नहीं होता तो एसिड बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, हाइड्राइड्स, ये पता नहीं मेरे सिस्टम में खराबी हुई है। चलो देखो आगे, देखो ऑक्सीजन स्टेट भी कर लेते हैं पहले, हाइड्रेट बाद में करते हैं। -2 शो करते हैं नॉर्मली, और नीचे आते आते +2 भी शो होती है, +4 भी होती है, और +6 भी होती है, ठीक है बच्चे। वही नीचे आते आते लास्ट एलिमेंट प्रिडोमिनेटली शो करेगा +4, है ना, बिकॉज ऑफ अगेन इनर्ट पेरिफेरल्स। इसके बाद हाइड्रेट्स आते हैं, हाइड्रेट्स देखो इसमें कुछ है नहीं लिखने वाला, हाइड्रेट्स, हाइड्रेट के सारे पॉइंट सेम, सारे आंसर भी सेम। हाइड्रेट्स में आ जाएंगे हमारे पास H2O, H2S, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, पोलोनियम लिखना नहीं, ठीक है। उसके पॉइंट आते हैं, पहला स्टेट अकेला यहाँ पे हमारे पास वाटर ही होता है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है। उसके बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका होगा, सबसे कम किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम होगा H2S का, ठीक है, क्योंकि इसका साइज भी छोटा है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह का कोई चांस नहीं। और उसके बाद आएगा सेलेनियम, फिर आएगा टेलूरियम, सबसे ज्यादा होगा किसका, वाटर,
उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट वॉलेटिलिटी, सेम वॉलेटिलिटी सेम। थर्ड थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी अगेन वाटर की ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ छोटी है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना। उसके बाद एसिडिक करेक्टर एंड रिड्यूसिंग पावर दोनों की सेम होती है। सर ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बच्चे? या मैं कह दूं सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होती है? रिड्यूस होने की टेंडेंसी। बोलो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? H2O। ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? बोलो बच्चे। सर टेलुरियम H2TE। हाँ सर टेलुरियम ही होगा। बहुत टाइम लेते हैं बच्चे, पता नहीं तुम लोग म्यूट करने में कहाँ टाइम लगा देते हो मेरे को लगता। और क्या H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वैसे भी, और साइज बहुत छोटा होता है, बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है ना, एजिटेटर कम होगा, तो इसका ऑर्डर आएगा H2O लीस्ट हो जाएगा। H2S आ जाएगा, H2SE आ जाएगा, H2TE आ जाएगा, ठीक है जी। और यही रिड्यूसिंग का भी यही रहेगा। आगे आता है बॉन्ड एंगल एंड डाइपोल मोमेंट, अगले पेज पे लिख लेता हूँ। देव शर्मा उधर किधर देख रहा है? बॉन्ड एंगल, हाँ जी, किसका ज्यादा होगा? वाटर का। ऐसे होना चाहिए, बनाने से पहले आंसर आ जाना चाहिए। वाटर का ज्यादा होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर बॉन्ड पेयर यहाँ होगा, रिपल्शन ज्यादा होगी। वेरी गुड। 104 और इसका 93.3 लिख लो। तो अगर आपने एक हाइड्रेट अच्छे से समझ लिया, मतलब समझ लिया, कर लो नोट। चले आगे। Yes, sir. आगे आते हैं ऑक्साइड्स। अबे काम करो, चलो रुको, अभी पढ़ो, अभी कोई काम नहीं करना, अभी ऑक्साइड्स पढ़ो। इसमें से एसिडिक कौन होगा? ज्यादा एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक? एसिडो सर। हाँ, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, नीचे आते आते एसिडिक रिएक्टर डिक्रीज करता है, बेसिक रिएक्टर बढ़ता है, ठीक है।
आगे इसकी रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन में नहीं गिरा रहा, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर देखो इसके, ये आ जाएंगे हमारे सल्फर के ऑक्साइड्स पे, ठीक है, जैसे H2SO3 वैसे बनाने जैसे उसके बनाए थे, H2SO4 H2SO5 H2S2O8, ये स्ट्रक्चर्स आप लोग कर लेना वैसे सेम से हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, नोट कर लो। इम्पोर्टेंट है सारे, ठीक है, छोड़ मत देना कोई, मैं करा दूं, कर लोगे? बोलो भाई, ये पहला एक लोन पे H2SO4 डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओएच ओएच, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है बच्चे, कर लो नोट, एक मिनट है फिर मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ। और अब ये होता है पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक, ये होता है पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड या कैरोस एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब लोग एसिड्स बना लो फटाफट, ये सारे बना लो, मैं वो मत लिखो स्ट्रक्चर, छोड़ दो, चाहे ये छोड़ दो, रहने दो, दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, चलो रहने दो, मत कर लो नोट, मैं भी लिख दूंगा।